अजनी थाना अंतर्गत एक वृद्ध महिला के साथ 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस घटना में फिरियादी सुनंदा देशमुख ने अपने किरायेदारों के खिलाफ मामला दायर किया है। मामले में शामिल आरोपी प्रवीण भावसार और पूनम भावसार है, जिनमें पूनम भावसार को पुलिस ने गिरफ्तार कर प्रवीण भावसार की खोज पुलिस कर रही है। पुलिस स्टेशन अजनी में अपराध क्रमांक 53/2021 कलम 406, 420, 34 गुना दर्ज हुआ है। उसमें फिरियादी महिला है श्रीमती सुनंदा चित्तरंजन देशमुख। एक महिला है जो अपने घर में प्लॉट नंबर 28 कल्याणेश्वर नगर मानेवाड़ा रोड बेसा में रहती थी। उनके पहले पति के साथ उनका डिवोर्स हो चुका था और दोनों बेटियों की शादी होकर वो अलग रहती थी। ये महिला वहाँ अकेली रहती थी। उसके घर में ये दोनों आरोपी किराए से रहते थे, पति पत्नी प्रवीण सुधाकर भावसार और पूनम प्रवीण भावसार। महिला अकेली होने के कारण उसका ये लोग ने फायदा उठाया, उसको अपने विश्वास में लिया और विश्वास में लेकर उसको बोला कि तू ये रहने वाला घर को भेज दे और ये घर बेच के हम तुम्हारा कोई नया बिजनेस लगा के देंगे। इसलिए महिला ने वो अपना घर, महिला का घर इन्होंने ही बिछवा दिया है आरोपियों ने 38 लाख में, जिसमें से इनके साथ में ऐसा समझौता हुआ था कि इसमें से 15 लाख जो है महिला के पति है जिसे डिवोर्स हुआ था उसको देंगे, तो 15 लाख उन्होंने उसके पति को दिया है। 8 लाख आरोपियों ने कागजात के खर्च के नाम पे फिरियादी से लिए थे और बचे हुए 15 लाख रुपये इन्होंने फिरियादी के अकाउंट में डाले थे। फिर बाद में कुंडाली में खेती लेंगे करके उन्होंने अकाउंट से उसके पैसे निकाले और आरोपी ने अपने नाम से वो खेती कुंडाली में ली। इसे बताया कि तू अगर अपने नाम से लेगी तो लड़कियाँ तेरी प्रॉपर्टी हड़प लेगी। और अपने नाम से खेती लेने के बाद में इन्होंने वो खेती को भेज दिया और उस महिला के साथ में 15 लाख और 8 लाख 23 लाख का ऐसा अपहार किया है। उसके बाद में जब भी महिला ने इसको पैसे मांगने के लिए गई तो उन्होंने टाड़ा कर दिया और उसको अवॉइड किया। बाद में जब महिला निराधार हो गई तब उसके लड़की ने उसको मदद किया और उनके सहायता से उन्होंने पुलिस स्टेशन अजनी में रिपोर्ट दिया है और हमने भी गुनाह दर्ज किया है। और इसमें जो महिला आरोपी है पूनम प्रवीण भावसार, इसे हमने अटक किया है। आज पीसीआर लेके हम लोग अगला तपास करने वाले हैं। सर, ये खेत का जो उन्होंने खरीदे है तो कौन से साल में वहाँ पर खरीदे? ये उन्होंने खेत खरीदा था वहाँ पे 2016 में, 2016 में उन्होंने खेत खरीदा था। फिरियादी महिला को 8,000 रुपये महीना देने का इन्होंने तय किए थे ब्याज के तौर के ऊपर में, और कुछ उन्होंने 8,000 रुपये महीना उसे 1 साल तक दिया भी था और उसके बाद में फिर 8,000 रुपये देना महीना ने देना बंद कर दिया। उनको बता रहे थे कि 8,000 रुपये तुम्हारे खेती का प्रॉफिट आता है करके। और इस तरह कैसे जब वो महिला पूरी तरह उनकी शिकंजे में आ गई तो उसके पैसे देना उन्होंने बंद कर दिए और खेती को उन्होंने दूसरों को बेच दिए। फिरियादी के बच्चे कहाँ पर रहते हैं? फिरियादी की एक लड़की बाहर गाँव रहती है और एक नागपुर में रहती है, दोनों बच्चियों की शादी हुई है। बच्चों ने जब माँ को मदद की है, इसमें बच्चियों ने माँ को जब मदद किया, जब ये महिला असहाय हो गई, इसकी जब प्रॉपर्टी पूरी तरह से लूट गई थी, इसका घरदार लूट गया था, उसके बाद में फिर बच्चियों ने लड़कियों ने इसको मदद किया। तो एक आरोपी इसमें से फरार है? एक आरोपी अभी फरार है, उसे हम लोग ढूंढ रहे हैं।